मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हैदराबाद सिटी से 59 किलोमीटर दूर एक फॉरेस्ट के पास एनजीओ वालों को एक घायल पर्सन मिलता है जिसे वो हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें मूवी का हीरो संजीव दिखाया जाता है जिसे एक ड्रीम हमेशा परेशान किया करता था। संजीव उस ड्रीम में एक बच्चे को देखता है जिसके सर पर बाल नहीं थे और एक आदमी उस बच्चे के सर को सर्जिकल नाइफ से ओपन करने की कोशिश कर रहा था। यह ड्रीम अक्सर उसे परेशान करता रहता था। संजीव की ड्राइंग काफी अच्छी थी तो एज ए डॉक्टर एडवाइस वो अपने ड्रीम को एक डायरी में ड्रॉ कर दिया करता था। संजीव की फैमिली में उसकी वाइफ पल्लवी और उसकी एक छोटी बेटी अम्मू थी। साथ में पल्लवी की माँ भी उन्हीं लोगों के साथ रहती थी। पल्लवी और संजीव एक हॉस्पिटल में वर्क किया करते थे जहाँ संजीव एक कैशियर था और पल्लवी एक नर्स। नेक्स्ट इवनिंग पल्लवी संजीव को परेशान देखकर उससे पूछती है कि क्या उसने वो ड्रीम दोबारा देखा। संजीव हाँ बोलता है। इसीलिए पल्लवी नेक्स्ट डे उसे डॉक्टर के पास ले जाने को बोलती है क्योंकि पल्लवी भी संजीव को ऐसे देखकर सैड हो जाती थी। पर नेक्स्ट डे जब वो दोनों हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर साहब तो आउट ऑफ स्टेशन है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले संजीव को उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था जहाँ डॉक्टर ने बताया कि वो अपना पास्ट भूल चुका है यानी उसकी याददाश्त जा चुकी है और जो हमें फर्स्ट सीन में फॉरेस्ट के पास घायल पर्सन दिखाया गया था वो संजीव ही था। हॉस्पिटल में पल्लवी नर्स थी और वो ही संजीव का ख्याल रखती थी इसीलिए उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उसे अपने पास्ट का तो कुछ भी याद नहीं था। डॉक्टर बताते हैं कि हो सकता है ये ड्रीम उसके पास्ट से जुड़ा हुआ हो इसीलिए संजीव पल्लवी के साथ उस फॉरेस्ट के पास जाता है जहाँ वो एनजीओ वालों को मिला था। वहाँ अराउंड 30 किलोमीटर तक सिर्फ फॉरेस्ट ही था। पल्लवी डॉक्टर को अपने और संजीव के रिलेशनशिप के बारे में बताती है और शादी करने की बोलती है। डॉक्टर बताते हैं कि वो उसके पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं जानती, क्या पता कभी उसका पास्ट उसके सामने प्रॉब्लम लेकर आ जाए। पर फिर भी पल्लवी संजीव से ही शादी करने के लिए रेडी हो जाती है मगर पल्लवी की माँ इस शादी के लिए एग्री नहीं होती हैं। फिर भी पल्लवी घर छोड़कर संजीव से शादी करके अलग रहने लगती है। संजीव एक पैर से पैरालाइज था, शायद उसके पास्ट में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसमें वो एक पैर से पैरालाइज हो गया था और आफ्टर सम टाइम्स उन्हें एक बेबी होती है अम्मू। नेक्स्ट सीन में पुलिस के पास एक केस आता है जिसमें फुटपाथ से कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है। कमिश्नर उस केस को इंस्पेक्टर विष्णु को सॉल्व करने के लिए देते हैं क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा था मगर विष्णु कमिश्नर से कहते हैं कि वो आफ्टर 18 डेज रिटायर होने वाले हैं। कमिश्नर कहते हैं तो अच्छा है कि उसके पास 18 डेज हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट सीन में पल्लवी और संजीव डॉक्टर से मिलते हैं और संजीव की ड्रीम से छुटकारा पाने के लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट पूछते हैं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट जिससे अपने पास्ट की सारी बातें वो याद कर सके। मगर डॉक्टर मना कर देते हैं कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद संजीव डॉक्टर को इलेक्ट्रिक शॉट ट्रीटमेंट के बारे में बताता है मगर डॉक्टर ये सुनकर संजीव को डांटने लगते हैं और डिनाई कर देते हैं क्योंकि 80% उसमें संजीव की मौत हो सकती थी। यह सुनकर पल्लवी रोने लगती है और संजीव से गुस्सा होकर घर आ जाती है। उधर इंस्पेक्टर विष्णु को चाइल्ड किडनैपिंग केस से रिलेटेड एक सीसीटीवी फुटेज की वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें एक आदमी फुटपाथ पर सो रहे बच्चे को उठाकर ले जा रहा था। उस आदमी का फेस नहीं देख पा रहा था मगर उसके साथ एक बड़ा सा डॉग था। इंस्पेक्टर विष्णु अपने असिस्टेंट इवराज से किडनैप हुई हुए बच्चों के पेरेंट्स से इंक्वायरी करने के लिए बोलते हैं। इंक्वायरी करने के बाद इंस्पेक्टर को पता चलता है कि पिछले 2 ईयर्स में 23 बच्चे मिसिंग हैं मगर इस किडनैपिंग में कोई भी रैंसम नहीं मांगी गई थी। इसका मतलब यह किडनैपिंग नहीं कुछ और ही था और उनमें से ज्यादातर बच्चे अनाथ और फुटपाथ पर रहने वाले ही थे जिनकी कंप्लेंट लॉन्च करने वाला कोई भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में किडनैपर अपनी कार में एक रेड सिग्नल पर रुकता है जहाँ एक छोटी सी बच्ची उससे कुछ पेंस खरीदने के लिए कहती है ताकि उसे कुछ खाने के लिए पैसे मिल सके मगर वो किडनैपर उस बच्ची को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। वो इन बच्चों का क्या करता था यह हम आगे जानेंगे। उधर पल्लवी संजीव से प्रॉमिस लेती है कि वो कभी अपने पास्ट के लिए खुद को परेशानी में नहीं डालेगा और अपने पास्ट के बारे में फिकर किए बिना उसके साथ खुश रहेगा। उसके बाद पुलिस को एक न्यूज़पेपर वाले से पता चलता है कि उसने उस आदमी को एक बड़े से डॉग के साथ देखा था, साथ ही वो आदमी एक बच्ची को गोद में उठाकर ले जा रहा था। पुलिस उस लड़के को अपने साथ ले जाती है और किडनैपर का स्केच बनवाने लगती है। नेक्स्ट सीन में संजीव के फ्रेंड आशीष जो कि एक जर्नलिस्ट था संजीव को एक बुक दिखाता है जिसमें एक आदमी के साथ संजीव का डुप्लीकेट खड़ा हुआ था। यह देखकर संजीव को लगता है कि जरूर इससे उसे अपने पास्ट के बारे में पता चल सकता है इसीलिए वो दोनों उस बुक के राइटर से मिलने का प्लान बनाते हैं मगर संजीव इसके बारे में पल्लवी को बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
क्योंकि उसने पल्लवी को प्रॉमिस किया था कि वो अब अपने पास से दूर रहेगा। पर फिर भी संजीव बिना पल्लवी को बताए आशीर के साथ राइटर से मिलने चला जाता है। इधर पुलिस को उस किडनैपर का स्केच मिल जाता है और पुलिस उस स्केच को सारे पुलिस स्टेशन और अपने इन्फॉर्मर्स के पास भेज देती है और इंस्पेक्टर विष्णु उस स्केच को अपने क्रिमिनल डेटाबेस और आधार डेटाबेस में सर्च कराने रखते हैं। जब संजीव उस राइटर से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि उस पिक में जो संजीव का डुप्लीकेट है उसका नाम अश्वत्थामा है और उसके साथ उसका फ्रेंड रुद्रा है। वो रुद्रा से कई सालों पहले जेल में मिले थे। रुद्रा और अश्वा स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे। पुलिस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग किसी केस में सिर्फ रुद्रा पकड़ा गया था जबकि अश्वा भाग गया था। संजीव और यासिर रुद्रा के विलेज का पता करके उससे मिलने जाते हैं और कई सारे लोगों से मिलने के बाद उन्हें रुद्रा मिल जाता है जो अब ओल्ड हो चुका था। रुद्रा बताता है कि बहुत साल पहले जब वो यंग था देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। चारों तरफ बस हाहाकार मच रहा था। लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया था। पुलिस जिसे चाहे उसे जेल में डाल देती थी। देश फिर से गुलामी की तरफ बढ़ रहा था। इसीलिए इन सब से लड़ने के लिए अश्वा अपने लोगों का लीडर बनकर सामने आया और एक दिन रुद्रा और अश्वा ने मिलकर पुलिस चौकी में आग लगा दी जिसमें रुद्रा थोड़ा जल गया था। इसीलिए अश्वा रुद्रा को लेकर वैद्य के पास गया। अश्वा वैद्य की बड़ी बेटी अमृता से प्यार करता था। वो भी उसे पसंद करती थी। मगर जैसे ही यह बात अमृता के पिता को पता चलती है तो उन्होंने उसकी शादी कहीं और करने की तय कर ली। उधर पुलिस अश्वा और रुद्रा को ढूंढ रही थी। वो लोग अपने अड्डे से भागने ही वाले थे कि तभी अमृता की छोटी सिस्टर अश्वा को बताती है कि अमृता उससे मिलना चाहती है। इसीलिए अश्वा रुद्रा से किसी सेफ जगह पर जाने को बोलकर खुद अमृता से मिलने चला जाता है और इतना सब रुद्रा संजीव को बता देता है। जब संजीव रुद्रा से अमृता के बारे में पूछता है तो रुद्रा बताता है कि वो उसका एड्रेस पता करके उसे कॉल करके बता देगा क्योंकि लास्ट टाइम अश्वा को अमृता ने ही देखा था। नेक्स्ट सीन में जब संजीव अपनी बेटी अम्मू को स्कूल से ले जा रहा था तो किडनैपर उसका पीछा करता है। तभी रास्ते में संजीव के पास रुद्रा की कॉल आती है और वो उसे अमृता का एड्रेस बताता है। संजीव अम्मू को साथ लेकर ही उस एड्रेस पर पहुंच जाता है मगर वहां के वॉचमैन से संजीव को पता चलता है कि अमृता अब अमेरिका में रहती है पर वो अमृता का नंबर पता करके उन्हें बता देगा। वहां से वापस आते टाइम संजीव अम्मू को मिस कर देता है क्योंकि वो अमृता के बारे में सोच रहा था। यह देखकर संजीव बहुत परेशान हो जाता है और अम्मू को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसके पास यासिर की कॉल आती है। संजीव अम्मू के मिसिंग की बात यासिर को बताता है मगर यासिर तब संजीव के घर पर ही था इसीलिए सारी बातें पल्लवी सुन लेती है और वो बहुत ज्यादा परेशान होने लगती है। मगर थोड़ी देर बाद संजीव को अम्मू एक आदमी के पास मिल जाती है। संजीव अम्मू को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद पल्लवी संजीव पर बहुत गुस्सा होती है कि उसे अगर अपने पास्ट की इतनी ही फिक्र है तो वो उन्हें छोड़ दे। उसके बाद संजीव पल्लवी को समझाने की बहुत कोशिश करता है मगर वो गुस्से में वहां से अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दो बाइक राइडर संजीव को मारने की कोशिश करते हैं। यह देखकर संजीव भागने लगता है और बाइक वाले उसका पीछा करने लगते हैं। संजीव बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बाइक राइडर इंस्पेक्टर विष्णु ने ही संजीव के पीछे लगाए थे क्योंकि वो स्केच वाला पर्सन संजीव की तरह ही था। मगर उन्हें शक था कि संजीव ही वो किडनैपर है और वो एक पैर से पैरालाइज होने का नाटक कर रहा है इसीलिए उन्होंने ये सब कराया था। मगर इससे उन्हें लगा कि संजीव सच में पैरालाइज्ड है पर फिर भी इंस्पेक्टर विष्णु अपनी टीम के साथ संजीव के घर पहुंच जाते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। उसी दौरान संजीव का डुप्लीकेट अम्मू को उसका फादर बनकर किडनैप कर लेता है। अब मूवी में ट्विस्ट आ जाता है क्योंकि एक ही शक्ल के तीन कैरेक्टर थे, एक संजीव, दूसरा विश्वा और तीसरा वो किडनैपर। इंस्पेक्टर विष्णु संजीव को बहुत टॉर्चर करते हैं मगर वो कुछ भी नहीं बता पाता। उसे बचाने के लिए यासिर और पल्लवी उसी टाइम का अपने हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज कमिश्नर को दिखाती है जिस टाइम फुटपाथ वाली बच्ची की किडनैपिंग हुई थी। इससे पता चलता है कि उस टाइम संजीव हॉस्पिटल में ही था और इस फुटेज की वजह से इंस्पेक्टर विष्णु संजीव को छोड़ देता है। उधर पल्लवी को पता चलता है कि किसी ने अम्मू का किडनैप कर लिया। यह सुनकर पल्लवी बेहोश हो जाती है। यासिर और संजीव हर जगह अम्मू को ढूंढने लगते हैं मगर उन्हें अम्मू का कहीं पता नहीं चल पाता है कि तभी अमृता की कॉल संजीव पर आती है मगर संजीव उससे बात नहीं करता क्योंकि उसके पास्ट के चक्कर में उसका प्रेजेंट खतरे में आ गया था।
उसकी बेटी अम्मू भी मिसिंग हो चुकी थी। उसके बाद इंस्पेक्टर विष्णु यासीर और संजीव को अम्मू के स्कूल की सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसमें अम्मू संजीव की ही हमशक्ल के साथ गई थी। इंस्पेक्टर संजीव से कहते हैं कि किडनैपर तुम्हारी तरह ही दिखता है, उसका तुमसे कोई तो रिलेशन जरूर है, शायद वो उसका ट्विन ब्रदर ही हो, इसीलिए वो याद करके बताए। मगर यासीर कहता है कि संजीव कुछ भी याद नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी याददाश्त खो चुका है। उसके बाद यासीर सारा कुछ इंस्पेक्टर को बता देता है कि वो रुद्रा से मिला और उसने क्या स्टोरी बताई सब। उसके बाद इंस्पेक्टर संजीव को अमृता से बात करने के लिए कहते हैं ताकि वो जान पाए कि अश्वा के साथ क्या हुआ था। अमृता से उन्हें पता चलता है कि मिसिंग होने से पहले अश्वा अमृता से मिलने आया था और उसने अमृता से कहा था कि वो पुलिस से बचने के लिए कुछ दिन के लिए अपने भाई के पास जा रहा है, जो कि हैदराबाद से 59 किलोमीटर दूर फॉरेस्ट के पास रहता है। उसके बाद संजीव डॉक्टर के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक दें क्योंकि उसके लिए अपने पास्ट को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया था। मगर डॉक्टर इस रिस्क को लेने से मना कर देते हैं, इसीलिए संजीव खुद ही रूम में जाकर इलेक्ट्रिक शॉक ले लेता है। उधर पुलिस सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से किडनैपर की कार को फॉलो करती है और एक टाइम पर हमें किडनैपर का फेस भी दिखाया जाता है और पुलिस को पता चलता है कि किडनैपर की कार कहीं फॉरेस्ट के पास से ही गायब हुई है। इधर संजीव उसी फॉरेस्ट में जाने के लिए टैक्सी लेता है। टैक्सी वाला पुलिस का इन्फॉर्मर था, इसीलिए वो इंस्पेक्टर विष्णु को बता देता है कि संजीव को उसने फॉरेस्ट के पास ड्रॉप किया है, इसीलिए इंस्पेक्टर विष्णु भी फॉरेस्ट के लिए निकल पड़ते हैं। संजीव को उस फॉरेस्ट में अंदर जाने पर एक घर दिखाई देता है, साथ ही किडनैपर की कार भी। संजीव अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक सीक्रेट डोर मिलता है। संजीव उस सीक्रेट डोर से एंटर करके बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि केज में बहुत सारे रैट रखे हुए हैं और वहाँ बहुत सारी मेडिसिन भी थी, जैसे किसी डॉक्टर की लैब हो। आगे बढ़कर उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके सर पर बाल नहीं थे और उसके हेड पर सर्जिकल नाइफ के कट का साइन था। ऐसा ही ड्रीम उसे हर बार आता था और यह देखकर उसे अपना पास्ट रिमाइंड आने लगता है। दरअसल कई साल पहले अश्वा अमृता से मिलने के बाद पुलिस के डर से अपने भाई अर्जुन के पास आ गया था। अर्जुन फॉरेस्ट में सुनसान जगह पर रहता था। अर्जुन एक डॉक्टर था और वो अमेरिका से जॉब छोड़कर यहाँ एक रिसर्च कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग अश्वा देखता है कि अर्जुन बहुत सारे रैट्स को जमीन में दफना रहा है। अश्वा पूछता है कि इतने रैट्स कहाँ से आए। अर्जुन बताता है कि उसके रिसर्च के लिए सब्जेक्ट है। उसके बाद अर्जुन अश्वा को अपनी रिसर्च के बारे में बताता है। वो बताता है कि हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हमारे सारे इमोशंस और पेंस को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वो बताता है कि अगर हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर लें तो हम अपनी ओल्डनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम कभी ओल्ड नहीं होंगे, हमेशा यंग ही रहेंगे। और अर्जुन इस रिसर्च को सक्सेस करने के बाद हमेशा अमर रहना चाहता था और गॉड बनना चाहता था। एक दिन मॉर्निंग अश्वा सीक्रेट डोर से अर्जुन की लैब में एंटर करता है, जहां उसे चारों तरफ मेडिसिन रैट्स दिखाई देते हैं, साथ ही उसे कुछ बच्चे भी दिखाई देते हैं जिन पर अर्जुन एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि पहले अर्जुन रैट्स पर एक्सपेरिमेंट करता था और उसके बाद वो फुटपाथ से बच्चों को किडनैप करके उन पर एक्सपेरिमेंट करने लगा था और वो हमेशा जिंदा बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट करता था। वो उनके हेड को ओपन करके पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल कर उस पर एक्सपेरिमेंट करता था। यह देखकर अश्वा को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कितने ही मासूम बच्चों की बलि दे रहा है, इसीलिए अश्वा उसे ऐसा करने से रोकता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है, जिसमें अर्जुन अश्वा को ऐसा इंजेक्शन देता है जिससे वो पैरालाइज्ड हो जाता है। कुछ टाइम बाद अर्जुन अपने एक्सपेरिमेंट में सक्सेस तो हो जाता है, मगर उसका यह फॉर्मूला सिर्फ उन दोनों यानी अश्वा और अर्जुन पर ही अप्लाई हो रहा था, बाकी किसी पर नहीं। अब अर्जुन और अश्वा दोनों ही हमेशा के लिए यंग हो चुके थे, वो कभी भी ओल्ड नहीं होने वाले थे। वो लोग 47 इयर्स के हो चुके थे मगर अभी तक वो यंग ही थे, और उसे 20 साल हो चुके थे और अर्जुन को 20 साल हो चुके थे अश्वा को अपनी कैद में रखे हुए। मगर एक दिन अश्वा वहां से निकलकर भाग जाता है और एनजीओ वालों को फॉरेस्ट के पास मिलता है, मगर उस दिन से पहले का अश्वा सब कुछ भूल चुका था। अब सीन प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ संजीव यानी कि अश्वा अर्जुन के घर में ही था। वहां वो अपनी बेटी अम्मू को भी पाता है, मगर अम्मू पर अभी तक अर्जुन ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। संजीव अम्मू को लेकर वहां से निकल ही रहा होता है कि तब तक वहां अर्जुन अपने डॉग के साथ आ जाता है। उसे देखकर संजीव अम्मू को एक कॉर्नर में छुपा देता है। साथ ही अर्जुन पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु को अपने साथ होबेहोश करके लेकर आता है, जो संजीव को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। अर्जुन संजीव को बताता है कि उसने उसे हर जगह ढूंढा पर वो उसे नहीं मिला। मगर आफ्टर 10 इयर्स अर्जुन को अचानक संजीव और उसकी फैमिली दिखाई दी। अर्जुन बताता है कि उसका फॉर्मूला जीन स्पेसिफिक था,
और जीन स्पेसिफिक मेडिसिन बनाने के लिए उसे संजीव की बेटी अम्मू की जरूरत थी, क्योंकि संजीव की बेटी होने की वजह से वो भी इमोर्टल यानी अमर थी और उससे बनी मेडिसिन हर किसी पर काम कर सकती थी। वो ये बता ही रहा होता है कि तभी इंस्पेक्टर विष्णु को होश आ जाता है और वो अर्जुन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, मगर तभी अर्जुन का डॉग इंस्पेक्टर विष्णु की तरफ अटैक करता है और वो उस डॉग को मार देते हैं। मीनवाइल अर्जुन इंस्पेक्टर विष्णु के सर पर फ्लावर पॉट से वार कर देता है जिससे उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद अर्जुन संजीव से पूछता है कि अम्मू कहाँ है, वो उसे अम्मू को वापस कर दे जिससे वो अपने इतने सालों के एक्सपेरिमेंट को पूरा कर पाए। मगर गुस्से में आकर संजीव एक रॉड से अर्जुन के फेस पर अटैक करता है और अम्मू को वहां से लेकर चला जाता है, साथ ही अर्जुन की लैब को जला भी देता है। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर विष्णु का असिस्टेंट इवराज संजीव से मिलने आता है, जहां वो देखता है कि अम्मू एक प्रोजेक्ट में फैमिली ट्री बना रही थी, इसीलिए संजीव अपने फादर का नाम अम्मू को बता रहा था। इवराज संजीव को बताता है कि किडनैपर की प्रॉपर्टी किसी अर्जुन मुनि के नाम पर रजिस्टर्ड थी। साथ ही वो संजीव से पूछता है कि क्या उसे अपना पास्ट याद आया, मगर संजीव मना कर देता है क्योंकि फॉरेस्ट में क्या हुआ था यह बात संजीव के अलावा किसी और को नहीं पता थी। उसके बाद संजीव अम्मू के साथ अंदर चला जाता है और इवराज न्यूज देखने लगता है कि तभी उसकी नजर अम्मू द्वारा बनाए गए फैमिली ट्री पर जाती है, जहाँ संजीव के फादर का नाम द्रोणा कृपा मुनि लिखा हुआ था और यही सेम नेम अर्जुन मुनि की फाइल पर उसके फादर का भी लिखा हुआ था। इससे युवराज समझ जाता है कि अश्वा ही संजीव है और यह जानने के बाद वो वहां से चला जाता है और वो इस बात को अपने अंदर ही दबा लेता है। पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती है कि अर्जुन के घर के पास उन्हें अराउंड 300 स्केलेटन मिली थी, मगर अर्जुन को पुलिस अरेस्ट नहीं कर पाई, वो वहां से भाग गया और पुलिस जल्दी उसे पकड़ लेगी। और फिर हमें लास्ट सीन में अर्जुन यह न्यूज देखते हुए दिखाया जाता है जिसे अब भी अम्मू की तलाश थी, और इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसी लेटेस्ट मूवीज का एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार मूवी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।